अस्सलाम वालेकुम क्लास 3 स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल वेल. स्टूडेंट, यू ऑल नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 6 टाइम इन आवर फिजिकल क्लासेस. नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेट, एक्सरसाइज नंबर एंड पेज नंबर इन योर कॉपी. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आज हम लोग जो काम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 6A. एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. सो आपको ये काम अपनी कॉपी में करना है एंड यू हैव टू सबमिट ऑन टाइम. आपको जो टाइम दिया जाएगा आपको उस टाइम पर अपनी ये कॉपी सबमिट करानी है. इज़ दैट क्लियर क्लास 3 स्टूडेंट्स? इट मींस यू हैव टू सबमिट योर कॉपीज़, क्योंकि इन जो काम आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं उसके आपको नंबर्स दिए जाएंगे और इन नंबर्स की वजह से आपके रिज़ल्ट पे भी असर होगा. सो प्लीज़ अपना ये काम तमाम काम अपना कंप्लीट करें और तमाम बच्चों इस बात सुन लें कि आप अपना काम कंप्लीट करेंगे और अपनी कॉपी सबमिट कराएंगे. इसके अलावा इस साल किसी भी बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम्स लिए बगैर. तो आप सबको एग्ज़ाम्स भी ज़रूर देने हैं, तो यहाँ पर आपको सीखना भी ज़रूर है और ये काम आपको कॉपी में भी करना ज़रूर है. इज़ दैट क्लियर क्लास 3 स्टूडेंट्स? तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6A ऑन पेज नंबर 170. तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और ये मैं आपको बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, आपको ये काम अपनी कॉपी में करके सबमिट कराना है. किसमें करके? कॉपी में करके सबमिट कराना है. इज़ दैट क्लियर क्लास 3 स्टूडेंट्स? सो स्टार्ट करते हैं हम अपना काम. जी क्लास 3 स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6A ब्लैंक नंबर 1 यानी कि ब्लैंक नंबर A. अ डे हैज़ डैश आवर्स. एक दिन में कितने आवर्स होते हैं बेटा? क्लास 3 स्टूडेंट्स, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स. कितने आवर्स होते हैं बेटा? 24 आवर्स. तो हम ये ब्लैंक्स फिल कर रहे हैं और आप ये अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे. ब्लैंक नंबर B पर आते हैं हम. देयर आर 12 आवर्स बिटवीन मिडनाइट एंड यानी कि आधी रात में और नून दोपहर में यानी दोपहर को क्या कहते हैं? नून. क्या कहते हैं? नून. दोपहर में और आधी रात में कितने घंटे होते हैं बीच में? 12 घंटे. यानी कि रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक हमारे पास कितने घंटे होते हैं बेटा? 12 घंटे. तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? नून. क्या आएगा इस ब्लैंक में? नून. अब हम आते हैं पार्ट सी की तरफ. पार्ट सी क्या है? पार्ट सी ब्लैंक क्या है? 8 AM इज 9 आवर्स आफ्टर 8 AM. अगर मैं आपको यहाँ समझाऊँ, वॉच पे वॉच बनाकर देखिए यहाँ पर बेटा, अगर मैं एक वॉच बनाती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि हम वॉच कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए मैंने आपको समझाने के लिए वॉच बनाई है, तो आप इसको सही से समझिए. सही है बेटा, ये वॉच बनाइए. इन्होंने कहा है, इनकी ब्लैंक क्या है? ब्लैंक देखिए, ब्लैंक इज़ 8 AM इज़ 9 आवर्स आफ्टर 8 AM 9 आवर्स आफ्टर यानी कि 9 आवर्स आफ्टर 8 AM. जी तो इन्होंने क्या कहा है? 8 AM हुए हैं और 8 AM देखिए, ये 8 AM की मैं वॉच बना रही हूँ. इन्होंने कहा है 8 AM हुए हैं. आप मुझे बताइए कि 9 घंटे पहले, इससे 9 घंटे पहले क्या टाइम हुआ होगा? यानी कि 8 बजे हैं, 8 AM हुए हैं और इससे 9 घंटे पहले क्या टाइम हुआ होगा? कैसे देखेंगे हम? देखेंगे 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यानी कि 9 घंटे पहले क्या टाइम हुआ होगा? 11 PM, क्योंकि 12 बज चुके हैं. देखिए 12 बज चुके हैं, 12 से पहले PM होगा, तो जब ही तो AM में कन्वर्ट हुआ है. सो 11 PM 8 बजे हैं और इससे 9 घंटे पहले क्या टाइम हुआ होगा? 11 PM. तो हम यह ब्लैंक में क्या लिखेंगे? 11 PM. यानी कि 8 AM हो रहे हैं उससे 9 घंटे आफ्टर, यानी कि 9 घंटे, 8 AM कब? 9 घंटे बाद 8 AM के क्या हुआ होगा? 11 PM. इज़ दैट क्लियर क्लास 3 स्टूडेंट्स? 8 AM इज़ 9 आवर्स आफ्टर 9 आवर्स आफ्टर यानी कि 9 घंटे बाद, यानी कि 9 घंटे पहले अगर आप देखेंगे तो 8 AM से क्या बचा होगा? 11 PM. क्या बचा होगा? 11 PM. ओके, अब हम आते हैं ब्लैंक नंबर डी पर. देयर आर डैश आवर्स बिटवीन 10 AM एंड 5 PM 10 AM एंड 5 PM. अगर आप यहाँ देखें 10 AM और 5 PM में कितने घंटे होते हैं? 10 AM यहाँ बज रहे, जैसे 10 यहाँ बजते हैं ऐसे,
और 5 यहाँ बजेंगे। तो आप इनमें देखिए क्या टाइम हमारे पास बीच में कितने घंटे आ रहे हैं, 10 से 11 एक घंटा यानी कि 1 आवर, 11 से 12 2 आवर्स, 12 से 1 3 आवर्स, 1 से 2 4 आवर्स, 2 से 3 5 आवर्स, 3 से 4 6 आवर्स एंड 4 से 5 7 आवर्स। तो 10 बजे से लेके यानी कि इन्होंने क्या कहा है, 10 AM यानी कि सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक कितने घंटे बीच में आएंगे, 7 आवर्स। कितने आएंगे बेटा, 7 आवर्स। तो आप यहाँ लिखेंगे 7, क्या लिखेंगे बेटा, 7 आवर्स। इज़ दैट क्लियर। अब हम आते हैं ब्लैंक नंबर ई पर। 200 मिनट्स में एक डैश आवर एंड डैश मिनट्स, 200 मिनट्स। तो हमारे पास आपको पता है एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर 60 मिनट्स होते हैं, 2 आवर 120 मिनट्स, 2 आवर्स में कितने होते हैं, 120 मिनट्स। इज़ दैट क्लियर क्लास 3 स्टूडेंट। 3 आवर्स कितने मिनट होते हैं, 180 मिनट्स। और यहाँ पर क्या है, यानी कि हमारे पास 3 घंटे हो गए, यहाँ पे 200 मिनट्स हैं, तो 3 आवर्स 180 मिनट्स के हो गए और कितने बचे, 20 मिनट्स बचे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, 3 आवर्स के कितने हो गए, 180 मिनट्स हो गए और बचे हमारे पास कितने, 20 मिनट्स। कितने बचे, 20 मिनट्स। तो हमारे पास पूरे 200 मिनट्स हो गए। तो इसी तरह देखिए 200 मिनट्स मेक 3 आवर्स 3 घंटे और 20 मिनट्स, 3 घंटे और 20 मिनट, 3 घंटे और 20 मिनट। हमारे पास 200 मिनट्स का मतलब है 3 घंटे और 20 मिनट। इज़ दैट क्लियर। 3 घंटे कैसे आए, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 2 घंटे में 120 मिनट्स होते हैं, 3 घंटे में 180 मिनट्स होते हैं, और 200 और 180 में 20 मिनट्स का फ़र्क है, तो 20 मिनट्स यानी कि 3 घंटे 20 मिनट। ओके बेटा, क्लास 3 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6A है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स ABCDE, ये आपको तमाम ब्लैंक अपनी कॉपी में करने हैं, किस में करने हैं, कॉपी में करने हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी क्लास 3 स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, आपको ये बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ऑन पेज नंबर 170 एक्सरसाइज 6A। अ डे इज़ फ्रॉम 12 midnight to 12 midnight, यानी कि 12 रात के 12 और दिन के 12। तो जो हमारे पास दिन होगा यानी कि रात के 12, midnight रात के 12 से लेके अगली रात के 12 तक, तो पूरा दिन हो जाएगा हमारे पास। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, क्या होगा, ट्रू होगा, यानी कि दिन रात के 12 से लेके दिन के 12 12 घंटे और फिर दोबारा दिन के 12 से लेके रात के 12 तक, तो कितने हो गए, 12 घंटे। 12 और 12 कितने हो गए, 24 आवर्स। और एक डे में कितने होते हैं, आर डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो एक डे इज़ फ्रॉम 12 मिडनाइट, यानी कि 12 मिडनाइट से एक डे शुरू होता है, अगले यानी कि दोपहर के 12 बजे आधा दिन होता है और फिर रात के 12 बजे पूरा दिन हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हमने यहाँ लिखा है ट्रू। अब हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर बी पर। नून कम्स आफ्टर मॉर्निंग, दोपहर कब आती है, सुबह के बाद। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नून मतलब दोपहर, नून कम्स आफ्टर मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद ही नून आती है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, तो हमने यहाँ लिखा है ट्रू। इज़ दैट क्लियर। अब हम आते हैं पार्ट सी की तरफ। एवरी डे बिगिंस एट नून, हर दिन नून से तो शुरू नहीं होता, हर दिन कहाँ से शुरू होता है, 12 midnight, यानी कि 12 बजे आधी रात को दिन शुरू होता है। तो एवरी डे बिगिंस एट नून, नून से नहीं शुरू होता, तो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, दोपहर से दिन शुरू नहीं होता है। दैट इज़ वाई आई विल राइट फॉल्स ऑन पार्ट सी, मैंने फॉल्स लिखा है पार्ट सी पर। एंड मूव टू द पार्ट डी, पार्ट डी क्या कहता है हमें, देयर आर 14 आवर्स बिटवीन नून एंड मिडनाइट, दोपहर के 12 से लेकर रात के 12 तक कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, लेकिन यहाँ लिखे कितने हैं, 14 आवर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, 14 आवर्स नहीं होते हैं, 12 आवर्स होते हैं, कितने होते हैं, 12 आवर्स, कितने होते हैं, 12 आवर्स। अब आते हैं पार्ट ई पर। देयर आर 600 मिनट्स इन एन आवर, क्या एक घंटे में 600 मिनट्स होते हैं, नो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, 60 मिनट्स, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है, क्योंकि एक घंटे में तो 60 मिनट्स होते हैं और यहाँ लिखा हुआ है 600 मिनट्स, तो 600 मिनट्स इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो हमने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया है।
तो आपके सामने क्लास थ्री स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर वन कराया है। देखिए बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर वन कराया है जो आपको ब्लैंक्स अपनी कॉपी में उतारने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर टू, ट्रू फॉल्स स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पर मैंने ए बी सी डी ई पार्ट आपको अपनी बुक में सॉल्व कराया है, लेकिन आपको ये काम अपनी कॉपी में करना है। किस में करना है बेटा? अपनी कॉपी में करना है। इज़ दैट क्लियर? क्या कहा मैंने बेटा? यू हैव टू राइट डाउन ऑल द वर्क इन योर कॉपी एंड यू हैव टू सबमिट ऑन टाइम। जो आपको टाइम दिया जाएगा आपको वो काम अपनी कॉपी में सबमिट करके कराना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। जी क्लास थ्री स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन टिक करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। चाहें तो आप उसको ब्लू कलर से लिखें या आप उसको सर्कल करें। इज दैट क्लियर? पार्ट ए की तरफ मूव करते हैं। पार्ट ए क्या है हमारे पास? 1 hour 20 minutes इज सेम एज, 1 घंटे 20 मिनट में कितने टोटल मिनट्स होते हैं? अगर आप काउंट करें तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है बेटा, कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, और ये 20 मिनट्स, तो 60 और 20 कितने हो गए? 80 मिनट्स। कितने हो गए? 80 मिनट्स। 80 मिनट्स कैसे आए? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स और 20 मिनट्स, तो 60 और 20 कितने हो गए? 80 मिनट्स। यहाँ पर ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ 80 मिनट्स, तो आप इस पर टिक करेंगे 80 मिनट्स। इज़ दैट क्लियर? क्या लिखेंगे? 80 मिनट्स। ओके बेटा, अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। Midnight comes after, यानी कि जो आधी रात होती है वो किसके बाद आती है? 12 moon के बाद तो नहीं आती, ठीक है, क्योंकि ये तो दोपहर का टाइम है। 1 AM ये भी दोपहर का टाइम है हमारे पास, दोपहर के 1 बजे तो midnight नहीं आती। पार्ट सी देखें, 11 PM, सही, ये बात बिल्कुल सही है। 11 PM यानी कि 11 PM यानी कि 11 PM के बाद ही midnight शुरू होती है। 12 PM आएगा तो ही midnight शुरू होगी, यानी कि midnight शुरू भी 12 PM पर होती है और एंड भी midnight पर 12 PM पर होती है। तो 11 PM के बाद ही 12 PM आएगा, तो मिडनाइट कब आएगी? 11 PM के बाद। 11 PM के बाद यानी कि पोस्ट मेरिडियन, 11 PM के बाद, क्योंकि 11 PM के बाद 12 AM शुरू होगा, यानी कि 12 PM एंड होगा, फिर वहां से हमारे पास यानी कि पूरा मिडनाइट ख़त्म होगा और वहीं 12 PM से हमारे पास नया दिन भी 12 AM शुरू होता है। ओके बेटा, 12 PM भी वहीं एंड होता है, तो वो हमारा दिन ख़त्म होता है। मिडनाइट आधी रात होती है और वहीं से हमारा दिन भी शुरू होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? 11 PM। क्या है? 11 PM। पार्ट सी की तरफ आते हैं। अ डे एंड्स एट, डे एंड कहाँ पे होता है? 12 noon पे तो नहीं होता, 10 PM पे भी नहीं होता, 12 midnight, डे एंड भी यहीं होता है, दोबारा बता रही हूँ ये बात, और दिन शुरू भी यहीं से होता है। ओके बेटा, सही है। क्या कहा मैंने? दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हमारे पास PM होता है, पोस्ट मेरिडियन, और फिर रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक हमारे पास क्या होता है? AM, एंटी मेरिडियन। AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियन। तो हमारे पास क्या है? दिन कहाँ पे एंड होता है? 12 midnight पे एंड होता है, और 12 midnight के बाद से ही हमारा दिन शुरू हो जाता है। सही है, एंड भी वहीं पर होता है, स्टार्ट भी वहीं से होता है। इज़ दैट क्लियर? तो मैंने आपको पहले का ए पार्ट में पहला ऑप्शन करेक्ट किया था, ए पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास सी पार्ट है करेक्ट, और सी पार्ट में हमारे पास है सी पार्ट ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। सही है, यहाँ मैं टिक लगा रही हूँ, आप चाहें तो ब्लू कलर से टिक लगा लीजिएगा या इसको सर्कल कर लीजिएगा। अब हम आते हैं पार्ट डी की तरफ। हाउ मैनी मिनट्स इन 3 hours, 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? देखिए, 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 120 और 3 घंटे में 180, कितने मिनट्स होते हैं? 180 मिनट्स। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? 180 मिनट्स। क्या है हमारे पास? 180 मिनट्स। इज़ दैट क्लियर क्लास थ्री स्टूडेंट्स? कितने मिनट्स है हमारे पास? 180 मिनट्स। 3 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 180 मिनट्स। हम आते हैं पार्ट ई की तरफ। किस पर आते हैं? पार्ट ई की तरफ। 15 मिनट्स बिफोर, 15 मिनट पहले, 6:45 से 15 मिनट पहले क्या होगा? 6:30 PM, 6:45 हो रहे हैं, उनसे पहले 15 मिनट पहले क्या होगा? 6:30 PM। देखिए ये रहा 6:30 PM, हमने यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिख दिया है। तो आपके सामने क्लास थ्री स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री भी डन कराया है। सारे ऑप्शंस आपको डार्क कलर से दिख रहे हैं, ये तमाम ऑप्शंस हैं और आपको ये तमाम काम अपनी कॉपी में करना है। किस में करना है बेटा? अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3,
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क इन योर कॉपी। मैंने आपको आज क्वेश्चन नंबर 1 कराया है एक्सरसाइज 6A का, क्वेश्चन नंबर 2 कराया है एक्सरसाइज 6A का और क्वेश्चन नंबर 3 कराया है एक्सरसाइज 6A का। तो ये तमाम काम आपको अपनी कॉपी में करना है बेटा। किस में करना है बेटा? कॉपी में करना है। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आप अच्छे से काम करिएगा, एक टाइटल पेज बनाइएगा चैप्टर नंबर 6 टाइम का और उसमें ये काम अपना स्टार्ट करिएगा। इज़ दैट क्लियर क्लास 3 स्टूडेंट्स? आप टाइटल पेज बनाइएगा, गर्ल्स और बॉयज़ टाइटल पेज तो बन चुका है और काम भी स्टार्ट हो चुका है चैप्टर 6 का, तो आप उसी के आगे अपना काम कंटिन्यू करेंगे। बॉयज़ और गर्ल्स बोथ, आप उसी के आगे अपना काम कंटिन्यू करेंगे। इज़ दैट क्लियर क्लास 3 स्टूडेंट्स? जी क्लास 3 स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होम टास्क। जो मैंने आज आपको वीडियो में क्वेश्चन 1 till 3 कराए हैं एक्सरसाइज 6A पेज नंबर 170-171, आपको ये काम अपनी कॉपी में करना है। ये आपका होम टास्क है। क्लास 3 स्टूडेंट्स सुन रहे हैं आप लोग, बेटा बहुत अच्छे से काम करिए, अपने काम को बहुत अच्छे से सबमिट कराइए। ये तीनों सवाल जो आपको मैंने वीडियो में कराए हैं, यू हैव टू सबमिट योर कॉपी और आपको ये काम भी अपनी कॉपी में करना है। यू हैव टू डू इन योर कॉपी एंड सबमिट ऑन टाइम। जब आपको टाइम दिया जाएगा आप उस टाइम पर अपनी कॉपी मैथ्स की कॉपी में ये काम कंप्लीट करके मुझे सबमिट कराएंगे। इज़ दैट क्लियर क्लास 3 स्टूडेंट्स? आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आप बहुत अच्छे से काम करिएगा, डेट डालिएगा, अपना इंडेक्स बनाइएगा और काम को प्रॉपर तरीके से करिएगा। अल्लाह हाफिज़।